हरे कृष्ण। प्रहलाद की कहानी। राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का तिरस्कार करता था। प्रहलाद के पिता के द्वारा उसे राक्षसी विश्वासों से प्रेरित करने के प्रयासों के बावजूद प्रहलाद विष्णु का एक समर्पित अनुयायी बना रहा। अपने पुत्र की भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को विभिन्न यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास पर दृढ़ रहा। अंत में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को विष्णु के अस्तित्व को साबित करने के लिए चुनौती दिलाई। प्रहलाद ने जवाब देते हुए कहा कि विष्णु हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि सबसे छोटे परमाणु में भी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने एक खंभे पर प्रहार किया और भगवान विष्णु नरसिम्हा रूप में, यानी के आधे मानव और आधे शेर के अवतार के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को मारा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाया। यह कहानी अत्याचार और अहंकार पर भक्ति और धर्म की विजय।